bisector y equal to x, ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ द साइड ए सी इज गिवन 2x माइनस y इक्वल्स टू, ओके, इफ 2ab इक्वल टू bc, 2ab इक्वल टू bc, ठीक है, वो डिस्टेंस फॉर्मूले में लेगा शायद, द पॉइंट्स ए एंड बी आर इक्वल रिस्पेक्टिवली, ए और बी दिया है, ए हमें दिया है 4.6 और बी हमें दिया है अल्फा कॉमा बीटा, अच्छा 2ab इक्वल टू bc, क्या दिमाग आ रहा है, कौन सा, सॉरी ये डायग्राम सही है मेरा, हाँ हाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, करेक्ट क्या रहेगा बोलो, 2, ठीक है ये मिल जाएगा, हाँ बी मिल जाएगा वहाँ से, नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स सोच रहा हूँ, देखिए मेरे बहुत सिंपल सवाल है, हाँ तो ठीक है वो राइट है, वो राइट है, ये y इक्वल टू x पे तो उसको अल्फा कॉमा अल्फा सपोज कर सकते, करेक्ट, गुड। इसके अलावा बच्चों ये है ना 2001 में एडवांस में क्वेश्चन आया था असम्प्शन रीजन में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का नाम सुना है, उससे होगा मेरे को लग रहा है ये कि बाइसेक्टर साइड को अपोजिट साइड को करस्पॉन्डिंग रेशियो बट, क्योंकि आप अगर इन दोनों का देखो, हाँ बी सी आपको दिया है अल्फा, सॉरी 2ab ना, तो ab अगर आपको दिया अल्फा k दिया है, ab अगर आपने k मान लिए तो bc आपको क्या दिया है 2k, क्योंकि 2ab दिया है बच्चों, ये सेक्शन फार्मूले क्वेश्चन है, इट्स अ प्योर क्वेश्चन ऑफ सेक्शन फार्मूला, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से ये जो सामने वाली साइड है ये k इज टू 2k में बांटेगा, मतलब 1:2 में बांटेगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट आपको पता है तो ये आपको सी मिल जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छा इतनी जरूरत है क्या, करने चाहिए क्या, सी भी आपको देखो सी निकालना भी आसान है क्योंकि इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो आप एक्स को जैसे हमने अल्फा को अल्फा ले लिए तो बीटा गायब हो गया एक तरीके से क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है, बस देखते हैं इसके इससे अलावा भी कुछ इजी मेथड है, तो सी को मैं ले लूँगा बीटा, एक्स को बीटा ले लूँगा, तो ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसको बीटा ले लो, 2 बीटा माइनस वाई इक्वल टू 2, क्योंकि हमें पता है कि एक ही वेरिएबल में हम दोनों फाइंड कर सकते हैं, अल्फा बीटा लेने की जरूरत नहीं, अगर लाइन पे लाई कर रहा है तो x को एक पुट कर दो y ऑटोमेटिक मिलता है, तो 2 बीटा माइनस 2 हो जाएगा, तो हमें 2 बीटा माइनस 2, अरे सॉरी बीटा इधर यूज़ किया है मैंने, बीटा यूज़ नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो काम करो इसको बीटा की जगह कुछ और ले लो, क्या ले लो, गामा ले लेते, तो 2 गामा माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 गामा माइनस 2, ये मिल गया सी, तो सेक्शन फार्मूले से मुझे सी मिल जा रहा है, लेकिन मैं सी काम का है क्या, क्या उसकी ज़रूरत थी मेरे को, हाँ उसकी ज़रूरत थी क्या बच्चों, ऐसा मुझे लग रहा है कि उसने जिस तरह से फ्रेमिंग किया है, मुझे लग रहा है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग साइड दे दें रेशियो, ये यहाँ तक समझ में आप लोग को, ये समझा सब लोग को समझा, तो ये 2.2 इज द प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट है किसका, देखो ए आपको पता है सी आपको पता है, 2.2 किससे मिला है, सेक्शन फार्मूले से मिला है, और ए लिख देता हूँ 4.6 है, और सी आपको दिया है कॉमा गामा कॉम 2 गामा माइनस 1 माइनस 2, और ये 2.2 दिया है, और हमें दिख रहा है ये 1:2 रेशियो बांट रहा है, तो हमें गामा मिल जाएगा यहाँ सेक्शन फार्मूले से, गामा निकाल लेते फिर देखते क्या करना है अभी, और भी मेरे जवाब में 2-3 बातें आ रही, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, तो यहाँ से 2×4 प्लस 1×गामा अपॉन 2+1 ये एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, और मैं डायरेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट को ही 2 से इक्वेट कर देता हूँ, वाई की जरूरत ही नहीं, तो ये तो 6 हो गया या 8 हो गया, तो गामा आपको क्या मिला माइनस, ओ मतलब ये पॉइंट ऑफसाइड है, एक्सटर्नल डिवीजन है, नहीं एक्सटर्नल नहीं, सॉरी वो एम नहीं था, सॉरी गामा मिल गया, तो सी हमें मिल गया, सी क्या मिला, सी क्या था माइनस गामा, तो -2, -4, 6,
तो अपने को सी मिल गया। अब आपको लेकिन हमारा सफर जो था अल्फा प्लस टू बीटा निकालने के लिए था, तो बेसिकली मेरे को अल्फा प्लस टू बीटा, मेरा बेसिकली क्या है अल्फा प्लस टू अल्फा ये, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा वाई इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है, तो मुझे थ्री अल्फा निकालना है बेसिकली। अब मैं मुझे ये निकालना है बच्चों, दो तरीके डिस्टेंस फार्मूला भी तो है, ये डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू ये डिस्टेंस फार्मूला कर देंगे तो अल्फा मिल जाएगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू टू बी सी दिया है हमको, उससे भी हो जाएगा। और कोई मेथड बेटर डिस्टेंस फार्मूले से तो हो ही जा रहा है, अल्फा इज द ओनली वेरिएबल है, लेकिन डिस्टेंस फार्मूले के लिए हमको सी चाहिए था, हमने सी निकाल ली। कर लोगे आगे आपको बताओ आंसर फाइनल पॉइंट, मैं इस पर तो बहुत बारीक बातें बता दूंगा। कृपया के इन सेंटर को डिटेल में पढ़ना, इन सेंटर के प्रूफ में हमने एंगल बायसेक्टर थ्योरम यूज किया हुआ है। उसका दूसरा नाम है अपोलिनियस थ्योरम भी कहते हैं उसे। हार्मोनिक कॉन्जुगेट पढ़ना, एंगल बायसेक्टर, इंटरनल एंगल बायसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बायसेक्टर अपोजिट साइड को सेम रेशियो में बांटते हैं, एक इंटरनली करता है एक एक्सटर्नली करता है, ये सब बातें अपने हार्मोनिक कॉन्जुगेट में लिखी है। और क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, इससे भी शॉर्ट मेथड दिमाग में आया मेरे, आप पहले इसको कर लो। ये दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मुझे क्या दिया था, रेशियो दिया था, ये अब तक का ठीक क्वेश्चन था, फिर भी इतना मुश्किल नहीं बोलेंगे, ठीक है मॉडरेट हो। मैं बताता हूँ ये क्लास नोट्स पर क्या लिखा है क्वेश्चन, थोड़ी देर में चलो ठीक है कर लेना उसको कंप्लीट, कर लोगे ना। एक याद करो टॉपिक हमने पढ़े थे मिरर इमेज, फॉर्मूला याद है सबको, मिरर इमेज और फोटो परपेंडिकुलर। एक बार मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, एक पॉइंट अगर दिया है एक्स वन वाई वन का फोटो परपेंडिकुलर आप निकालें, ये हो जाता है एक्स टू वाई टू मान लेते हैं इसको, और उसका मेरे नीचे इधर आ जाएगा, इसको पी, इसको क्यू, और उसको पी डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स थ्री वाई थ्री। अब ऑब्वियस है हमें लाइन देना पड़ेगा जिसके अबाउट हम मेरे दे रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो एज पर फॉर्मूला क्या था, ये एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस, ये पॉइंट को उठा के इस लाइन में हम पुट कर देते, क्योंकि गिवन पॉइंट ये अकेला था, ये और ये हम निकालने वाले थे। इस पॉइंट का हमको फोटो परपेंडिकुलर क्यू मिलेगा और इस पॉइंट का हमें मिरर इमेज ये मिलेगा, तो पॉइंट ये गिवन था रहता है और लाइन गिवन होती है, तो ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, ये पॉइंट जो गिवन है उसको उठा के इसमें रख देते हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स थ्री माइनस, सिमिलरली सेम फॉर्मूला इसके लिए भी, एक्स थ्री माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई थ्री माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस, बस इधर ट्वाइस लिख दो, मैंने बोला था रट्टा मारना है तो डबल होता है बोल के रट्टा मार लेना, टू लिख दो ए एक्स वन, पॉइंट तो यही है हमारे पास, यही पुट करना पड़ेगा, पॉइंट तो गिवन यही है ना, वही पुट करना पड़ेगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर रूट नहीं आता है, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो इसमें ना तीन चार एप्लीकेशन बताया था, उस एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है और वो लाइन बाय लाइन लिखाए हुए आपको बता दूंगा। पहला एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन एंगल बायसेक्टर का,
अगर आपको एक साइड गिवन है, क्वेश्चन की साइड बताओ क्या थी, और एक बाइसेक्टर गिवन है, 2x माइनस इक्वल टू 2, और एंगल ये था x और ये पॉइंट था b। तो पहला आपका एप्लीकेशन था इसका, जो आपके क्लास नोट्स में लिखा है विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। एक पॉइंट इस पर कंसिडर कर लो, पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, ये बी मिल जाएगा क्या, बोल दो यार क्या हो रहा है, 2.2 बोले थे आप लोग, है ना, 2.2 मिल गया। इस पर एक पॉइंट रैंडम कंसिडर कर लो, मैं वाई को जीरो लेता हूँ, वाई जीरो ले लिया, एक्स मुझे 1 मिला। ये पॉइंट का मिरर इमेज हमेशा एंगल बाइसेक्टर के अबाउट दूसरे साइड पे लाया करता है, याद आ रहा है ना, मिरर इमेज एक एंगल बाइसेक्टर के अबाउट इस साइड का कोई मिरर इमेज होगा ना, मैं दूसरे साइड पे लाया करता है। क्लास नोट्स में आपके फर्स्ट हमने क्वेश्चन भी लिया था इनफैक्ट, तो ये एप्लीकेशन से भी आप इसे कर सकते थे ना, क्योंकि आपको ये भी दिया ये भी दिया, आपने रैंडम पॉइंट मान ली और ये पॉइंट में लाइन ही मिल गई। ऐसे अगर उधर तो उससे हो गया, इससे भी आप यूज कर सकते थे, ये मैंने पहले दिमाग में आया था, लेकिन फिर मेरे को रेशियो दिखा, तो रेशियो दिखा तो मैंने बोला यार एंगल बाइसेक्टर, हमने पता एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रेशियो यूज कर लेते, तो उससे सेक्शन फॉर्मूले में हो गया। लेकिन ये बात समझ में आप लोग को, ये पॉइंट को अगर मैं अल्फा बीटा मान लूं, तो एज पर फॉर्मूला अल्फा माइनस 1, और ये लाइन को थोड़ा अच्छे से लिख दूं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 अपॉन ए हमारा 1 है, बीटा माइनस 0, ए बी हमारा माइनस 1 है, इक्वल टू ये पॉइंट को इस लाइन में पुट कर देंगे 1 माइनस 0 और माइनस 2, क्योंकि हमको मिरर इमेज निकाल रहे हैं, तो माइनस 2 के अंदर ये पॉइंट पुट कर दिए, और ये स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अल्फा बीटा डायरेक्ट मिल गया बच्चों, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, आपको डायरेक्टली साइड मिल जाती है, नेक्स्ट साइड मिल जाती है। अगर आपको एक साइड और एक बाइसेक्टर गिवन है, तो नेक्स्ट साइड आपको बाय यूजिंग मिरर इमेज मिल जाता है। ये एप्लीकेशन है, हो सकता क्वेश्चन में आया। नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन इसका था, क्वेश्चन में अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब नोट डाउन अच्छे से लिखा हुआ है, वहां से लिख लेता, उसमें तो एग्जाम्पल भी लिया था मैंने। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या था, कि अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे रहेगा, कुछ भी दे दिया आपको x प्लस y, कुछ भी दे दिया, तो ये अगर एक आपको एक साइड गिवन, एक वर्टेक्स गिवन है, तो दूसरा वर्टेक्स भी उसका मिरर इमेज हो, ये सेकंड एप्लीकेशन। ये सब लिखे हुए हैं, बहुत डिटेल में नहीं है, तो मैं भेज देता हूँ नोट्स, 14 पेज के नोट्स है, है ना, शॉर्ट वाली चीज़ें नहीं है, इसको आपको देख के इसको वापस से सॉल्व करके खुद से करेंगे ना, तो ये सब और बात क्या है ना, आपके दिमाग में आना चाहिए, अरे बाइसेक्टर दिए एक साइड दिए, अरे तो उसका एप्लीकेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिए, तो ये तो हमने पढ़े थे कहीं ना कहीं, वो कहाँ आएगा दिमाग में, जब आपको तीन तीन चार चार बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ के आप हीरोगिरी करते हो और फिर इधर से उधर उधर से उधर जब मारते रहते हो, भारी भारी क्वेश्चन के चक्कर में चल जाते हो, ये बेवकूफ़ी प्लीज अभी मत करना, है ना, कम पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और जितना क्लास के ले रहे ना हम लोग क्वेश्चन, इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, आपके क्लास नोट्स में इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, मैथ्स की बात करो अगर, मैं अभी तक तो मुझे नहीं मिला, आगे पता नहीं मुझे, सही बात है ना, ये फैक्ट है, अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा खतरनाक नहीं आया, वो एक था उसमें से, वो भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की एक थोड़ी बात पता होना चाहिए था आपको, तो प्लीज़ स्टिक टू द क्लास नोट्स, और हर चीज़ याद होना चाहिए आपको। स्ट्रेट लाइन में हमने इतनी दुनिया पढ़ी है, एक शीट की है, उस शीट में ही सब नहीं पढ़े आ रहे और क्लास नोट्स में नहीं पढ़े आ रहे, और आपको ना आप इस लेवल पे पहुंच गए, इतना बुरा हाल नहीं आप लोग का कि आपको अभी बैठ के ना घसना पड़ेगा, वो नहीं है, आप लोग का दिमाग चलता है, आपको सिर्फ क्लिक होना चाहिए, वो क्लिकिंग पॉइंट पे आपको वर्क करना है, इतनी तो मेहनत की है ना आप लोगों ने। अभी कुछ बच्चे होंगे जिनको क्लिक होके भी नहीं हो पाता है, तो उनका आप कुछ नहीं कर सकते, क्लिक हो रहा है मेथड लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी कम है, हाथ नहीं चलते उनके, वो स्टेज पे इधर मैक्सिमम बच्चे नहीं है, है ना, बच्चों को अभी ऐसा है कि मेरे को पता चल गया एंगल बाइसेक्टर का ये मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, अब कुछ बच्चों का फॉर्मूला लगा ही नहीं पा रहा, तो अब वो इज टू लेट फॉर, क्या बोल सकता हूँ उसके, लेकिन जो फॉर्मूला तो लगा आप लोग तो लगा सकते हैं यार, इतना तो बुरा हाल किसी का है नहीं, बाकी ऐसे बच्चे हैं इधर इधर नहीं बैठे होंगे, है अपनी क्लास 70-50% बच्चे ऐसे जो अभी तक फॉर्मूला नहीं लगा पाते, लेकिन आप लोग उनमें नहीं आते, आप लोग फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन।